हेलो दोस्तों, ये 10th क्लास का बोर्ड का पेपर विज्ञान का, तो आज मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, सेट नंबर पहला है और कोड इसका 31111। ठीक है, जिनमें से आप देख सकते हैं इसमें खंड का में पहले का है बी, दूसरे का है सी। ठीक है, किसी तरीके से आप इधर आ जाइए। ठीक है, ये तो इंग्लिश का है दोस्तों। ठीक है, तो हिंदी का आप टिक लगा दीजिए। अब तीसरे का है सी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दोस्तों सी, सी पे टिक लगाइए। चौथे का है, चौथे का दोस्तों तीसरा यानी कि सी। ठीक है, इस पर टिक लगाइए दोस्तों। चौथे का कितना है सी है। पाँचवें क्या दोस्तों डी है। ठीक है, उसी तरीके से छठे का क्या आंसर है दोस्तों सी है और सातवें का आंसर क्या है डी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो आठवें का फटाफट आंसर लगा दीजिए तुरंत। ठीक है, आठवें का आंसर क्या दोस्तों, ठीक है बी है। ठीक है, आठवें का क्या दोस्तों, ठीक है बी है। नौवें का क्या दोस्तों, नौवें का सी है। ठीक है, उसके बाद दसवें के क्या दोस्तों, दसवें का सी है। ठीक है, सी पर टिक लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसको दस चलते हैं ग्यारहवें क्वेश्चन में। ठीक है, तो ग्यारहवें देख लेते हैं क्या है दोस्तों। ग्यारहवें का बी है, नहीं ग्यारहवें का सी है दोस्तों, सी पे टिक लगाइए। और बारहवें के क्या दोस्तों, सी है। ठीक है, तेरहवें का आंसर क्या दोस्तों, तेरहवें का आंसर डी है। और चौदहवें का आंसर क्या दोस्तों, ठीक है चौदहवें का आंसर है ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे टिक लगाइए। ठीक है, तो बहुत ही सटीक आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं भी कोई भी गलत आंसर नहीं बताया गया है। पंद्रहवें का आंसर है दोस्तों बी, तो बी पर टिक लगाइए। छठे का, सोलहवें का है डी। ठीक है, तो डी पर टिक लगाइए। उसको सत्रहवें का क्या दोस्तों, ए। ठीक है, ए मतलब ये वाला चीज़। ठीक है दोस्तों, तो ए हो गया। ठीक है, और अठारहवीं का है ए। तो अगला 19 का। ठीक है, तो 19 का आंसर देखते क्या दोस्तों, 19 का आंसर क्या है सी। ठीक है, और 20 का आंसर क्या दोस्तों, सी है। ठीक है, उसी तरीके से ये तो दो दो नंबर वाले दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाभ अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय। अगर आपको और दूसरे सेट का भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और सेट नंबर लिखिए और कोड नंबर लिखिए, तो मैं उसका भी आंसर आपको अपलोड करके भेज देंगे। ठीक है।